20 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भाषण दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब एक घंटे के अपने हिंदी में दिए भाषण में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर आतंकवाद, संरक्षणवाद और आत्म केंद्रित होते विश्व के जैसे पहलुओं को छुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को एकजुट होकर इन चुनौतियों से लड़ने का आह्वान भी किया। पीएम ने विश्व को शांति और समग्रता के लिए भारत आने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ बड़ी बातें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। 20 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबके सामने उसने अपनी बातें रखी है और प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का यहां पर उल्लेख किया है। एक एक करके आपको कुछ खास बातें उनकी बताते हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने रिफॉर्म के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही उन्होंने रेड टेपिज्म मतलब लाल फीताशाही को खत्म करके रेड कार्पेट बिछाया और खासतौर पर ये बाहर आने वाले निवेश ज्यादा से ज्यादा भारत में निवेश आए उसका जिक्र करते हुए कहा। केवल छोटे मोटे सुधार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आमूलचूल रूपांतरण कर रहे हैं। हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से निवेश के लिए सुगम बना रहे हैं उसका कोई सानी नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में निवेश करना, भारत की यात्रा करना, भारत में काम करना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना और भारत से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को दुनिया भर को एक्सपोर्ट करना, सभी कुछ पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है। रेड टैप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं।